लड़ीवार गुरता मंदिर दर्शन करदे होया पहुंचिया गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब। गुरु साहिब जी इत्थे पहुंचदे ने जदों कीरतपुर तो हुंदिया होया दिल्ली नू जाना हुंदा तां इत्थे 3 दिन दा ठहराव करदे ने। गुरु साहिब जी इत्थों दे रहण वाले पंडित लाल चंद जी दा हंकार दूर करदे ने, जिन्हां नू अपनी विद्या ते बड़ा हंकार हुंदा। पंडित जी ने विचार किया कि छोटा जिहा बालक गुरु नहीं हो सकता, तो द्वापर के अवतार के नालों वड्डा ना रखा के गुरु अखवा रहे ने कि वह भागवत गीता के अर्थ ते मेरे सवालों के जवाब कर सकते हैं। तो सतगुरु पातशाह महाराज के सिखा ने कहा कि हाँ, तेरे हर सवाल का जवाब तो गीता के अर्थ कर सकते हैं। पंडित ने नगर के एक ऐसे मनुख को लेके आंदा जो ना बोल सकता सी ना सुन सकता सी, तो शरीर करके भी वह निर्बल सी। तां जदों सतगुरां दे सन्मुख लैके खड़ाया तां सतगुरु पातशाह महाराज जी ने निकटवर्ती सिखां नूं कहना कीता, जाओ ओ जो सामने छपड़ी दे विच पाणी रुकिया है उहदे विच इस नूं इशनान करा के लियाओ। ते पंडित नूं हुक्म कीता कि आप गीता दा श्लोक उचारण करो, तेरे हर सवाल दा जवाब ते गीता दे अर्थ जिहड़े हन उह छजू करेगा। पंडित जी ने श्लोक उचारण कीता, सतगुरु जी ने अपने हथ दी मेहर दी छड़ी उस छजू दे सिर ते धरी। जिदां ही सात संगत सिर ते छड़ी रखी, ये छजू जिहड़ा है वह तोते वांगू बोलन लगा। ऐसे गीता दे दृष्टि अर्थ किए कि पंडित दे पैरां थलों जमीन निकल गई। अमृत बाटे दे विचों इस लाल चंद ने अमृत छके लाल सिंह बनया। तो समा बतीत होंदा गया, जदों चमकौर की जंग हुई 10 लाख वैरियां दे नाल टाकरा होया, उस समय वड्डे साहिबजादियां दे नाल इह लाल चंद लाल सिंह बन के शहीद होया। तो साध संगत अज भी इस स्थान पर गूंगे बोले बच्चे ठीक होंदे है। आप माई भाई संगतां नूं बेनती है कि यह पावन अस्थान अंबाला शहर तो तकरीबन 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता, अंदुले त्रिपवन सूजिया गुरु भेट पुनीता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार गुरधामां दे दर्शन करदिया होया पहुंचिया गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब। धन श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह जी की चरण छो पावन धरती गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब जिला अंबाला दे विच पैंदा। गुरु साहिब जी इत्थे पहुंचदे ने जदों कीरतपुर तो हुंदिया होया दिल्ली नू जाना हुंदा है तां इत्थे 3 दिन का ठहराव करदे ने। इस स्थान ते ही गुरु साहिब जी इत्थों दे रहण वाले पंडित लाल चंद जी का हंकार दूर करदे ने, जिन्हां नू अपनी विद्या ते बड़ा हंकार हुंदा है। ते इस स्थान ते ही गुरु साहिब जी ने छज्जू झीवर तो गीता दे उपदेश करवाए। जिस सरोवर के कंढे असी खड़े हुए हाँ, इस सरोवर के विच उन्होंने इशनान करवाया छज्जू झीवर नूं, जो ना बोल सकते सी ते ना सुन सकते सी। बड़ी वड्डी गुरु साहिब जी ने एक कला वरताई, क्योंकि गुरु साहिब किसी के भी दुख दूर कर सकते हैं। सो अज बड़े ही सोहने इत्थे गुरुद्वारा साहिब सुशोभित ने, आओ आप भी दर्शन करते हैं। नाल ही संखेप इतिहास भी ग्रंथी सिंह पासों साझा करांगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਮੇਂ 1720 ਸੰਮਤ 7-8-9 ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਰੁਕੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਬਲ ਗੰਧਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਗਰ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
पुछना कीता कि अपने नगर दे विच बहुत रौनक है, बहुत इकट्ठ है, की कारण है। तां दसना कीता कि गुरु नानक पातशाह महाराज की अठवीं जोत साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी आए हुए हैं। उन्हां दा नाम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब है। तां जदों ही उन्होंने ये नाम सुनिया तो उन्हां दी उम्र सुनी तो पंडित जी ने विचार किया कि छोटा जिहा बालक गुरु नहीं हो सकता, तो द्वापर के अवतार के नालों वड्डा नाक रखा के गुरु अखवा रहे ने कि वह भागवत गीता के अर्थ ते मेरे सवालों के जवाब कर सकते हैं। तो सतगुरु पातशाह महाराज के सिखा ने कहा कि हाँ, तेरे हर सवाल का जवाब तो गीता के अर्थ कर सकते हैं। तो सतगुरु पातशाह महाराज जी के कोल जाके निकटवर्ती सिखा ने कहना किया कि महाराज जी, इस नगर का वसनीक लाल चंद पंडित जो बहुत विद्वान है, वह आप जिया तो तर्क करता है कि छोटा जहा बालक गुरु नहीं हो सकता, तो गीता के अर्थ ज मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। सतगुरु जी कह लगे, भाई उसनू साढ़े पास बुला के लियाओ। बुला के लिया गया, जेडे बचन सिखा दे नाल पंडित जी ने किते, उही सवाल उही गल्लां आण के सतगुरां जी दे सन्मुख कीतियां। सतगुरु जी कहन लगे, तेरे हर सवाल का जवाब तो गीता दे अर्थ असीं कर सकते हैं, पर तेरा जिहड़ा शंका है वह निवृत्त नहीं होवेगा। कारण गुरु परपोतरे, गुरु पुत्र ते खुद हुण गुरु ने भी किसी विद्वान नूं रख के सिख लिया होवेगा, सुन लिया होवेगा, इसलिए साढ़े सवालों का जवाब दिता है। इस करके तुसीं अपने नगर दे विचों अपनी बुद्ध अनुसार किसी भी मनुख नूं लै आवो, असीं उस दे पासों गीता दे अर्थ करवावांगे ते तेरे हर सवाल का जवाब दवावांगे। तां नगर दे विच गया, पंडित ने नगर दे विचों एक ऐसे मनुख नूं लै के आंदा जो ना बोल सकता सी, ना सुन सकता सी, ते शरीर करके भी वह निर्बल सी। तां जदों सतगुरां दे सन्मुख लै के खड़ाया तो सतगुरु पातशाह महाराज जी ने निकटवर्ती सिखा नूं कहना कीता, जाओ वह जो सामने छपड़ी दे विच पानी रुकिया है उहदे विच इसनूं इशनान करा के लियाओ। सात संगत, इस छपड़ी दे विच पहलों सतगुरां दे चौर बरदार भाई राम कौर जी नूं इशनान कराया गया, उन्हां दा तेज बुखार दूर किया गया। फिर दूसरी बार भाई छज्जू दा इशनान करा के उहदे ते मेहर कीती, ते उस उपरंत साफ सुथरे वस्त्र पहना के संगत दे विच लैंदा गया। आस पास संगतां बैठियां ने, सतगुरु जी बैठे ने एक साइड ते, पंडित जी बैठे ने, ते छज्जू चीवर नूं सतगुरां ने अपने सन्मुख बिठाया ते पंडित नूं हुक्म कीता कि आप गीता दा श्लोक उचारण करो, तेरे हर सवाल दा जवाब ते गीता दे अर्थ जिहड़े हन उह छज्जू करेगा। ते पंडित जी कहन लगे, महाराज मेरे सवालों का ये जवाब नहीं दे सकता। एक बारी, दो बारी, तीन बारी कहते कह लगा, ठीक है महाराज, आप जी बचे हो तो बच्चों वाली जिद कर रहे हो। मैं आप जी ने दसिया कि मेरे सन्मुख तो वड्डे वड्डे विद्वान नहीं टिक सकते, ये जीव मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। सतगुरु बाला प्रीतम जी कहन लगे कि गुरु नानक पातशाह महाराज का दर घर है, तेरे हर सवाल का जवाब तो गीता दे अर्थ जिहड़ा छज्जू करेगा, इसलिए तू श्लोक उच्चारण कर। कहिंदा ठीक है महाराज, जिवें तुसीं कहिंदे हो मैं तुहाडे कहण अनुसार श्लोक बोल दिंदा हाँ। पंडित जी ने श्लोक उच्चारण किया, सतगुरु जी ने अपने हाथ की मेहर की छड़ी उस छज्जू के सिर पर धरी। जिंदा ही सात संगत सिर पर छड़ी रखी, ये छज्जू जिहड़ा वह तोते वांगू बोलन लगा। ऐसे गीता दे दृष्टि अर्थ किए कि पंडित दे पैरां थलों जमीन निकल गई कि ये साढ़े पिंड का वसनीक है, मैं जन्म तो जानता हाँ, गूंगा बहरा अनपढ़ गवारा है, शरीर करके भी निर्बल है, ये तो हुण तोते वांगू बोलन लग गया, इतने दिव दृष्टि अर्थ, इतने सुंदर अर्थ मैं भी नहीं कर सकता। तो जो अगला श्लोक बोलना किया, अगलिया पंक्तियां पिछे पिछलियाँ अगे बोलन लगा, तो उस समय छज्जू ने रोके किया कि पंडित जी, आप इतने बड़े विद्वान हो, आप गीता की बाणी गलत पढ़ रहे हो, यदा उच्चारण ऐदा नहीं ऐदा है। तो उस पंडित का जो मन में शंका से निवृत्त हो गया, तो सतगुरों के चरणों पर ढह पिया, कहन लगा, महाराज मैं आप जी नूं बालक जान के, बच्चा जान के अवग्या कर बैठा हाँ, कृपा करो मेरी अवग्या, मेरी भुल मैनूं बख्श देवो, तो मैनू भी अपना सिख बना लवो। सतगुरु जी कहन लगे कि अपने धर्म में रह के, अपने धर्म का प्रचार ते पढ़ाई करके, विद्या करके अहंकार नहीं करता, हर जू अहंकार ना भावई, वेद कूक सुनावै, धार्मिक ग्रंथ जितने भी ने वो किते भी अहंकार की जगह नहीं दिंदी, इस करके तू अहंकार छड के उस परमेश्वर की बनाई हुई प्रकृति दे विच अपना योगदान पा, लोगों के उपदेश सच दा कर। तो सतगुरु पातशाह महाराज नूं कहण लगा, नहीं महाराज, मेरी निशा हो गई है, मेरी संतुष्टि हो गई है, कृपा कर दवो, हुण मैनू अपना सिख बना लवो। फिर सतगुरु पातशाह महाराज जी ने लाल चंद पंडित नूं अपना सिख बनाया,
ते फिर इस इलाके दे विच उसने प्रचार किया। समा रहिंदिया जो कलगीधर पातशाह महाराज जी आनंदपुर साहब की पावन धरती से बराज रहे सन तो उस समय ये लाल चंद पंडित सतगुरां दी हजूर विच आया उत्थे सेवा करन लगा। जदों सतगुरु पातशाह महाराज जी ने पहली बार 1699 की विसाखी नूं उत्थे अमृत बाटा तैयार किया तो उस अमृत बाटे दे विचों इस लाल चंद ने अमृत छके लाल सिंह बनिया। तो समा बतीत होंदा गया जदों चमकौर की जंग हुई 10 लाख वैरियां दे नाल टाकरा होया उस समय वड्डे साहिबजादियां दे नाल ये लाल चंद लाल सिंह बन के शहीद होया। इस तरह सरकार सतगुरु पातशाह महाराज दी रहमतां इस स्थान पर अज भी वरत रहीआं ने। अज भी इत्थे गूंगे बोले जिहड़े बच्चे ने वो इशनान करन दे नाल ठीक हो जाते हैं। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने जदों फिर इतों तुर लगे तो सतगुरु दी संगतां ने कहन लगे महाराज जी तुहाडे दर्शनां दा साडे मन विच चाओ होवे ते किवें दर्शन होंगे आप जी तो हुण दिल्ली नूं चले हो। तो सतगुरु पातशाह महाराज जी ने जिहड़ा सन्मुख आप जी निशान साहब देख रहे हो दरबार के अंदर है इस निशान साहब के लागे सतगुरां ने पहले रेत की टिब्बी बनाई तो फिर निशान लगाया। निशान ला के हुक्म किया कि इस टिब्बी के इस निशान के दर्शन कर लियो साढ़े दर्शनों का साक्षात जो महत्व है वह प्राप्त होगा। जो अरदास करोगे जो अर्पण करोगे वह सानू प्राप्त होगा। तो जो तुम गुरु तो मंग मंगोगे वह तुहाड़ी मंग वो तुहाड़ी श्रद्धा गुरु नानक पातशाह महाराज पूरी करनगे। तो साध संगत आज भी इस स्थान पर गूंगे बोले बच्चे ठीक होंदे है। आप माई भाई संगतां नूं बेनती है कि यह पावन अस्थान अंबाला शहर तो तकरीबन 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है पहाड़ी वाले पासे है। इस करके जदों भी तुसी आवो अंबाले शहर पहुँचो अंबाले कैंट पहुँचो किसी भी रिक्शे वाले नूं आटो वाले नूं किसी नूं भी पुछोगे तो झट ही आपको दस देवेगा कि पंजोखरा साहब इन्नी दूरी है आप जी मेरे इत्थे कोल इत्थे छड के जाएगा। इत्थे 24 घंटे संगत दे वास्ते लंगर का प्रबंध है सरां का प्रबंध है। गुरु हरकृष्ण साहब खालसा कॉलेज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों चढ़दी कला विच चल रहा है ते हर समय संगत दी आओ भगत सतगुरां दे पावन अस्थानां ते हुंदी है। पावन अस्थान दे मैनेजर साहब सरदार नरेंद्र सिंह जी वालों समुचियां सिख संगतां नूं इत्थे दास वालों भाई बूटा सिंह जी हेडग्रंथी गुरुद्वारा पंजोखरा साहब जी वालों आप संगतां नूं जीओ आया धन्नवाद है। चैनल का धन्नवाद है स्पोक्समैन वालों हर समय सिखी के प्रचार वास्ते थां थां ते पहुँच करके गुरधामां दी फोटोग्राफी की जाती है ते संगतां तक गुरु घर का संदेश पहुँचाया जाता है। सतगुरु पातशाह महाराज चैनल में चढ़दियां कलां टीम में चढ़दियां कलां बख्शिश करन इस तरह गुरमत की सेवा गुरु घर की सेवा ये चैनल करते रहन ते गुरमत की सोझी विच असी सारे अपने जीवन में खुशियां दे नाल बतीत कर सकीए। सो इतिहास वाचदियां होया दसदियां होया बहुत सारिया भुलां गलतियां हो जाए ने गुरु ते गुरु की संगत बख्शंद है हुई भुलां खिमा करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो सात संगत जी जिस स्थान के आप जी ने दर्शन किए सी गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब श्री हरकृष्ण जी जी चरण छो पावन धरती तुसी देखा कि इत्थे गुरुद्वारा साहिब के नीचे भोरा साहिब बनया होया जिथे गुरु साहिब जी ने थड़े उत्ते बैठ के छज्जू चिवर तो गीता दे उपदेश करवाए और इत्थे एक निशान साहिब अजे भी पुरातन झूलदा जिहड़े कि गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के हत्थां दे नाल लाया गया सी। तां अज बड़े सोहणे गुरुद्वारा साहिब सुशोभित ने संगतां आ के दर्शन करदियां ने। गुरु साहिब जी भी जदों तीन थिन दा ठहराव करदे ने ते नाम सिमरत दे नाल संगतां नूं निहाल करदे ने। सो बने रहो रोजाना स्पोक्समैन दे नाल लड़ीवार गुरधामां दे दर्शन करवाते रहेंगे। तद तक लिए इजाजत दो मेरे सहयोगी कैमरामैन जंगवीर सिंह के नाल मैं हरजीत कौर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।